ओके तो व्हाट्सअप गाइस, ये सब आ चुके हैं अपने फिर से वही गेम प्ले वाले वीडियो में, एंड जिसमें मैं अपना वॉइस ओवर देता हूँ। तो भाई लास्ट वीडियो कैसा लगा यार बताना, एंड जो जो नहीं दिखे भाई वो वाले वीडियो भी देखो। एंड यस, इस मैच में यार मैं एक्चुअली सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं है, बट हाँ ऑटो मैचिंग है। उस टाइम पर भाई मेरे को लगा कि मॉन्टेज के लिए थोड़ा क्लिप मिल जाएगा दो तीन क्लिप्स करके, बट एक्चुअली जो सीन हुआ वो तो आपको टाइटल से पता लग ही गया है ब्रो कि क्या हुआ इस मैच में। तो भाई बिना किसी देरी के क्या भाई लैंड बस होते ही क्या होगा, अरे कन्वर्ट होगा और क्या। तो बस देखो भाई, सबसे पहली बात उतरते मेरे को गन नहीं मिला, पहला जगह पे मिलने नहीं मिला, बट यहाँ पे यस बाइजन मिल गया, बट सामने एंड मेरे को दो एनिमी भी दिख गए। भाई यहाँ पे आके मैं पहला चीज जो करता हूँ भाई, तो पहले रिलोड करूँगा ताकि ज़्यादा एम हो जाए, एंड यस इसको नॉक करते हैं। उसके बाद फेस करने के लिए जा रहा था, एंड मेरे को दूसरा मिल गया, तो इसको भी फटाफट नॉक करते हैं, एंड इसके बाद क्या रिलोड करेंगे, एंड मेरे को तीसरा मुझे दिखा तो मैंने फटाफट नॉक किया। देन मेरे को इतना तो पता कि तीन मिनट नॉक है तो लास्ट प्लेयर ही होगा। तो भाई बिना किसी देरी का क्या भाई पुश करना है, क्योंकि रिवाइव ना मिल जाए बस, क्योंकि अपने जो बंदे देख रहे हो यहाँ पे आसपास तो कोई नहीं है भाई, तो जो करना है मेरे को करना है, एंड वही तो करना है। इसलिए मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेला, एंड ये बंदा यहाँ पे दिखा, एंड जैसे ही इसको नॉक किया भाई मेरे को लगा कि एक टीम तो नहीं है, दो टीम के अलग अलग बंदे हैं, बट एक्चुअली माजरा क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया ब्रो। एंड फिर एक और बंदा यहाँ पर नॉक, तो वो कहाँ घुसा मेरे को दिख गया, तो मैं जैसे आया मैं यहाँ पे इसका पिछवाड़ा दिखा, एंड ये बॉट मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, तो क्या फोकट करके लेंगे ना, एंड रिलोड करके भाई जैसे मैं यहाँ पे मेरे को एक नज़ारा दिखा, देखो मासूम से बंदों को देखते थोड़ा मारेंगे। एंड भाई एंड आई नो आप लोग सोच रहे कि भाई नज़ारा इतना चेंज कैसे हो गया, अभी तो भाई कुछ और ही था, एंड अभी कुछ और एक्चुअली इसको मतलब वो वाला फाइट के बाद मैं लूट रहा था, एंड एक स्क्वाड भाई पुश नहीं किए वो मतलब पहले से यहाँ पर लेटे थे, एंड भाई यहाँ पर बहुत बोलने के बाद अपने जो नंबर टू है भाई मेरे को रिवाइव करना है, एंड भाई इसको तो थैंक यू बोलूँगा, बट एनिमी के सामने था भाई इस बंदे को मैं भाई मतलब क्या ही भाई थैंक यू बोलूँ इस बंदे की वजह से एक्चुअली मेरा वीडियो बना, क्योंकि भाई बंदा भी को मार सकता था बट मारा नहीं। एंड भाई वहाँ पे एक बहुत ही ख़राब सा चीज़ मैंने किया, एक्चुअली मैंने उसकी चारा नहीं था क्योंकि मेरा हेल्थ नहीं था, एंड भाई वहाँ पे मेरे दो नंबर और तीन नंबर को भाई ये लोग नॉकआउट फिनिश करने कुछ नहीं कर पा रहा था भाई, मेरा हेल्थ नहीं था, सॉरी गाइस बट क्या ही करूँ। एंड यहाँ पे जैसे एक नॉक करके आया भाई एक बॉट मिला, तो इसको मारने के बाद पीछे एक और बॉट भाई क्यों देंगे ना क्यों छोड़ेंगे, बट एक्चुअली सीन क्या देखना यहाँ पे इनकी स्क्वाड में एक लड़की है, तो भाई मैंने उसका नाम पढ़ लिया, उसका नाम सिजुका है, तो भाई मुझे लगा वो टिकटॉकर वाली होगी तो मार के थोड़ा सेशन मारा जाएगा, बट एक्चुअली में क्या था वो भाई वो वाली नहीं थी, आई मीन वो स्क्वाड वाली नहीं थी, बट कोई ना इसको आराम से खत्म करते हैं, एंड फिर अपना वर्क में क्या फायर देखने को मिला, एंड इसको नौकरी करता भाई है इसका नाम, तो इनका लास्ट प्लेयर जो है वो पूरी जोश मारा है, इसको भी देते क्या अपना वही वर्ल्ड फेमस क्राउन फायर जो है, तो एंड बॉट मारने भी दिखाऊंगा यार, क्योंकि क्या होता है बॉट मारने से मतलब भाई किल स्किल क्या बोलो। एंड फिर यहाँ पे मेरे को बॉट फायर आती है, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड सबको रोक पूरा रुकता हूँ, बट सुनने की मेरे को थोड़ी देर में पता लगता है यहाँ पर बॉट तो है, एंड बॉट के साथ में एनिमी भी है, तो भाई एंड वो बॉट अब मर चुका है, एंड अब मैं थोड़ा अपने यूटिलिटीज जितने थे भाई सारे यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पर फट रहा है भाई, क्योंकि भाई कितने बंदे हैं मेरे को पता नहीं, एंड चार होंगे तो भाई एक तो लेटे होंगे सारे, तो मेरे को बस एक नॉक निकाल के जाना है, एंड भाई कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से एक बंदा दिखेगा एंड उसको नॉक करूँगा, इसलिए जितना हो सके वेट किया मैंने बहुत टाइम तक वेट किया, एंड उसके बाद मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला कि एक नीचे नॉक, एंड ये बंदा भाई बहुत ओपन में आया, एंड उसके बाद फिनिश डालेंगे ना बिल्कुल, बोलते अल्ट्रा गोपाल भाई ऐसे नहीं आते अपने टीम के साथ, आई मीन साथ छोड़ के, एंड आप आए एंड गए एंड दूसरा बंदा दिया इसको भाई निपटाते और क्या। एंड फिर मेरे को लगता है कि हाँ अब तो दो ही बंदे होंगे तो चलता जा सकता है, बट अब मेरे को पता लग चुका है एक ही बंदा है, एंड भाई सोचे क्या हम रहे ना रहे खेल रहे थे, एंड इसको सोचते एंड सब तो रिलोड कर रहा, एंड ये बंदा पूरे जोश में बट अपने गेम भाई हेड शॉट जड़े, देन एकदम फ्री फायर के साथ जंप करके कूदे, एंड ये वाला स्क्वाड खत्म। अब देखना यहाँ पे क्या होता है भाई, अपना जो नंबर थ्री है ना इतना टाइम से ऑफ था, एंड भाई के अंदर जोश आ गया, एंड भाई अब माइक ऑन करके बोल रहे एंड वैसे भाई की बातें सुनो। You are doing good, bro. I like it.
तो भाई यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक हाँ बंदे हैं, एंड मेरे को भी सब क्या एनर्जेटिक है, एंड एक और स्क्वाड है। एंड भाई मैं यहाँ पे थोड़ा आई मीन थोड़ा सा यस नर्वस हो गया था एक्चुअली, क्योंकि अभी अभी भाई एक बंदा ओहो इम्प्रेस है मेरे से, एंड भाई एक और स्क्वाड है, तो ये वाला मतलब क्लच भी बनता है यार, इसलिए देखो क्या ही नर्वस हो रहा हूँ यार। कोई ना, मेरे को ये क्लच करना था, यू ये आर अ मेरे को मीन था, ऑफ द एंड फॉर ये बंदा कैप्स भाई क्या ही मेरे को जूस दे रहा था। एंड चलो क्या भाई, एक और क्लच के लिए मैं अपने आप को भाई अंदर से तैयार कर रहा था, एंड ऊपर से नशा भी बहुत था, बट यार मेरे को क्या वीडियो में क्या हुआ वो तो बस 2 सेकंड वेट करो पता लगेगा। एंड मेरे को वहाँ पे एक बंदा दिखा जो कि टीवी ले रहा था, एंड मेरे को नेट को करना था मैंने को क्या, बट एक्चुअली वो थोड़ा नेट दूर गया, वो नॉक नहीं हुआ, एंड मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया क्योंकि भाई दो बंदे एकदम सामने से आ रहे हैं, एंड मेरे पे चढ़ेंगे लेफ्ट से, आई नो दैट। एंड तो भी भाई अपना क्लाउड फायर विद जिगल दिखाते हैं, एंड एक और बंदा आ रहा है जो कि भाई ये था छोटा भीम, एंड इसका बड़ा भाई आ रहा था जो कि अपना विवेक भाई, बट यार बड़ा भाई ओके भी एक फायर से नहीं गया बंदा, तो कोई बात नहीं। एंड इसका लास्ट प्लेयर, यस ये भी 3 मैन स्क्वाड दे, तो इसका भाई किल लेंगे छोटा भीम का, क्योंकि हमें रहे या ना रहे किल रहना चाहिए। एंड इसको एक गोली लगता है मेरा, एंड देन मैं अपना रिलोड करके भाई पूरे जोश में आ गया था, क्योंकि भाई जो कर देखा जाए। एंड यहाँ पे भाई क्लाउज एंड फायर विद डिजिटल विद एपीपी स्विच भाई, किसी भी तरह मैंने ये खत्म किया। एंड यस ये वाला क्लच भी हुआ, एंड किल देखिए तो गाइस 21 हो गए। एंड ये बंदा जो है भाई मेरे को कतई जोश दे रहा था अंदर से, एंड भाई पूरा मैच मतलब बहुत बातें किया है बंदा, एंड काफी अच्छा बंदा है ब्रो जो कि नागालैंड से, ये सिस्टम मेरे को बताया। एंड ये बहुत बातें कर रहा था इससे, अपना जो 2 नंबर है ना वो भी एक्चुअली मेरे को देख रहा है, पूरा मैच देखा मेरे को, बट माइक ऑन नहीं किया। एंड खैर है वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड ये भाई भाई लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा मजे दिए, एंड खैर आगे बढ़ते भाई की बातें सुनो बस। एंड भाई 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 यहाँ पे मैंने पूछ किया कि कोई तो बंदा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पे कोई नहीं था। एंड देखिए सकते हो 7 लाइफ, तो मेरे को छोड़कर 6 बंदे हो गए, एंड ये बंदा मेरे को बहुत ही ज़्यादा भाई जोश दे रहा था। खैर यहाँ पे मैं जैसे निकलने की जा रहा था, यहाँ पे एक गाड़ी आता है, तो मेरे को लगता है कि ये एक और क्लच, एंड मैं रेडियो था, बट देखा कि भाई एक ही बंदा, तो इसको एक एक काफ़ी सारे हेड शॉट्स, बट मेरे को इतना तो श्योर था कि ये उतर जाएगा, एंड चला गया, क्योंकि भाई कभी नहीं उतरता व्हीकल से, व्हीकल से भी उतर रहा था, बट गया। खैर कोई ना, थोड़ा अरे क्या थोड़ा फालतू सा स्ट्रे दिखा मेरे को पता है, अरे यार क्या करूँ भाई। खैर मैं सोच रहा था इसके बंदे आएंगे, बट एक्चुअली कोई नहीं आया। देन मैं यहाँ पे टिप भी ले रहा था, एंड मेरे को ओपन में एक बंदा दिखा, देन भाई यहाँ पे जो आप थोड़ा बहुत हाई समझ पा रहे हो कि भाई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है मेरा, क्योंकि भाई फोन काफ़ी यूज होता था उस टाइम, एंड जैसे फ्रेम ड्रॉप के कारण देखना 6S का जो प्रोसेसर है कितना मतलब वाइब्रेट हो रहा था। एंड भाई अब 1v2 सिचुएशन, एंड मेरे को ये सब बंदा जैसे ही दिखा भाई, एंड मैं स्कोपिंग करने गया, एंड भाई आपको देख सकते हैं ये क्या है, ये है पोको का नया चीज़, एंड मेरे को भाई बंदा दिखा नहीं, तो मैं घबरा गया। देन को देन भाई देखना कि एक बंदा भाई देखो मैं मेरा, एंड ये मेरे को स्पॉट था, एंड मैंने मारा, बस भाई शुक्र मनाओ कि जब मेरा गूगल असिस्टेंट ऑन हुआ मैं मरा नहीं। एंड भाई ये वाला मैच तो यहाँ पे, एंड भाई कैसा लगा कमेंट में बताना, एंड मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।